रविवार रात में गोरखनाथ मंदिर भ्रमण के दौरान गौशाला गेट के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर एक महिला कांस्टेबल पर पड़ी जो अपने बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी कर रही थी। फिर तो मुख्यमंत्री का बाल प्रेम जाग उठा। उन्होंने पहले तो उस बच्चे को दुलारा पुचकारा, फिर साथ में चल रहे पुलिस अफसर से रात में छोटे बच्चे वाली महिला कांस्टेबल से ड्यूटी कराने की वजह पूछी। अफसर ने बताया कि रात 10 बजे तक ही उसकी ड्यूटी है तो दिन में उससे ड्यूटी कराने की सलाह देते हुए मुख्यमंत्री गौशाला की ओर चले गए। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर और आसपास के जिलों से आए 225 लोगों की समस्या सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान वे समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी देते रहे। हमेशा की तरह इस बार भी जनता दर्शन में पुलिस और राजस्व विभाग के मामले ज्यादा आए। जनता दर्शन के लिए हिंदू सेवाश्रम में मुख्यमंत्री करीब 7:30 पर पहुंचे। वहां समस्या लेकर आए लोगों को कुर्सियों पर पहले ही बिठाया जा चुका था। मुख्यमंत्री बारी बारी से हर व्यक्ति के पास खुद गए और उनका लिखित शिकायत पत्र लेकर समस्या को जाना। कुछ शिकायतों को समाधान के लिए कमिश्नर रवि कुमार एनजी तो कुछ के लिए डीएम विजय किरण आनंद और एसएसपी विपिन ताडा को निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। हिंदू सेवाश्रम में बैठे लोगों की समस्या सुनने के बाद यात्री निवास में बैठे लोगों को भी बुलाकर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याएं सुनी। जनता दर्शन के हिंदू सेवाश्रम में मुख्यमंत्री 8:15 तक रहे और उसके बाद मंदिर कार्यालय आ गए। जनता दर्शन के बाद गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय से सटे लाल कक्ष में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने करीब 100 लोगों से पूछताछ की। इनमें हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर से जुड़े लोग शामिल रहे। इस दौरान भी कुछ लोगों ने अपनी समस्या मुख्यमंत्री से कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह आवास से बाहर आए तो सबसे पहले उन्होंने गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजा किया और फिर अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया। इसी क्रम में मंदिर परिसर का भ्रमण करते हुए गौशाला पहुंचे और गौ सेवा की। भ्रमण के दौरान अपने श्वान कालू और गुल्लू के साथ खेलना भी मुख्यमंत्री नहीं भूले।